I'm Geeta Lunawal. Welcome to my YouTube channel, The Learning Medico. After all your support to my first video, I'm here with my second video. This topic of our video is edema. So, definition. Edema is excessive and abnormal accumulation of free fluids in interstitial tissue spaces. जो interstitial tissue spaces है, वहाँ पर normally कुछ fluid होता है, पर जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है increase, तब हम उसे edema कहते हैं. So, what are the types of edema? Mainly two types, localized and generalized. In the localized edema, the edema is associated with a particular organ. For example, cerebral edema, pulmonary edema, inflammatory edema. But when it is generalized, it is associated with some system such as renal edema, cardiac edema. What is the pathogenesis of edema? Before going towards the pathogenesis of edema, we must have some basic knowledge about the normal fluid exchange. So let us see. This is a capillary. This is a capillary which contains the fluid, and these are the cells surrounding it. The capillaries, and the space between these two cells is known as the interstitial tissue space. Between these two cells, ये है, ये capillary है, ये capillary के वहाँ पर जो cells उसको surround कर रहे हैं, ये cells है सब, और जो दो cells के बीच में का space है, हम उसे बोलते हैं interstitial tissue space. So normal fluid exchange क्या होता है? जो hydrostatic pressure है capillary का, वो outward driving force है. जो hydrostatic pressure है capillary का, वो outward driving force है. मतलब ये hydrostatic pressure वो fluid को बाहर भेजेगा. और जो osmotic pressure है capillary का, वो inward driving force है. मतलब वो fluid को अंदर लाएगा. Hydrostatic pressure क्या है capillary का? Outward driving force. मतलब अगर hydrostatic pressure increase हुआ तो fluid क्या होगा? बाहर जाएगा. और osmotic pressure है inward driving force. और अगर osmotic pressure कम हुआ तो fluid अंदर आएगा ही नहीं. इसलिए excessive accumulation हो जाएगा fluid का. And same opposite इसका है. इसका अपोजिट है इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस का. आप एक तो कैपिलरी का याद रखो या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस का. जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी का है वो आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस का है वो इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स है. ऐसे एक तो कैपिलरी का याद रख लो या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस का. सो हमने समझ लिया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्लूइड बाहर जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो फ्लूइड ज्यादा अंदर नहीं आएगा, और ज्यादा फ्लूइड बाहर रहने की वजह से वहां पर एडिमा हो जाएगा. लेट्स सी द पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा. देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स व्हिच कॉज एडिमा. सो फर्स्ट इज द डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर. हमने पहले ही देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लाज्मा का मतलब कैपिलरी का है, वो है इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स है. मतलब वो फ्लूइड को अंदर लाएगा, पर जबकि ये अंदर लाने वाला फोर्स ही कम हो गया है तो कैपिलरी में फ्लूइड आएगा कैसे? तो अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम क्यों होता है? जैसे कि लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन. एक्सेसिव प्रोटीन यूरिया होने की वजह से प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है कैपिलरीज का. इसकी वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और फ्लूइड अंदर नहीं आ पाता. और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है फिर फ्लूइड बाहर ज्यादा जाने लगता है और वहां पर एडिमा कॉज करता है. हमें ऐसा एडिमा रीनल एडिमा में देखा इज द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हमने जैसे पहले ही देखा था जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स है. मतलब वो फ्लूइड को बाहर लेके जाएगा. जबकि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा फ्लूइड को बाहर भेज देता है. इसकी वजह से इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में नॉर्मल से ज्यादा फ्लूइड हो जाता है और वहां पर एडिमा कॉज होता है. नाउ द थर्ड वन
इज द लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन. हमारे नॉर्मली हमारे लिम्फ नोड्स का काम जो होता है कि इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस में जो ज्यादा का फ्लूइड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते बॉडी में. पर जब लिम्फैटिक नोड्स ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तब ये काम नहीं कर पाते और वहां पर लिम्फैडिमा दिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब कैंसर ऑफ ब्रेस्ट रहता है तब कैंसर मेनली स्प्रेड बाय लिम्फ नोड्स, इसलिए मैसेक्टॉमी करते टाइम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी रिमूव किए जाते हैं. इसकी वजह से वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स का काम है वो स्टॉप हो जाता है और वहाँ पर इडिमा हो सकता है. और जो दूसरा है फिलेरियासिस में जो लिम्फैटिक्स का इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से वहाँ पर लिम्फैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और वहाँ पर हमें लिम्फैडिमा देख सकते हैं हम वहाँ. द नेक्स्ट वन इज द टिश्यू फैक्टर्स. यहाँ पर जो टिश्यूज है उनके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस और टिश्यू टेंशन है. वैसे तो ये बहुत स्मॉल होते हैं पर जब ये इडिमा कॉल पर ये भी इडिमा कॉज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी. हमारी जो कैपिलरी का एंडोथेलियम रहता है वो सेमी परमिएबल रहता है ताकि कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड क्रिस्टलाइट्स का एक्सचेंज हो सके. पर जब एंडोथेलियम इसकी जो एंडोथेलियम है उसको जब डैमेज हो जाता है, कोई इंजुरी हो जाती है तो यहाँ पर कुछ गैप्स हो जाते हैं. इसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो बाहर आने लगता है और इडिमा कॉज कर सकता है. इससे हो सकता है इडिमा. लास्ट वन इज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. जो किडनी में वहाँ पर हाइपोवोलेमिया होगा मतलब ब्लड कम हो जाएगा. इसकी वजह से रीनल इस्टेमिया होगा मतलब किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा. इसकी वजह से जो सोडियम है रीनल ट्यूबल्स में वो कम होगा जिससे एंजियोटेंसिनोजेन स्टिमुलेट हो गए और वहाँ पर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा जो अल्टीमेटली एडिमा कॉज करेगा. रीनल एडिमा हमें किडनी के कुछ डिजीजेस में दिखा जाता है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम और रीनल फेलियर. पहले हम देखेंगे एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीनूरिया बहुत होता है मतलब प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन थ्रू, मेनली अल्ब्यूमिन का लॉस होता है. इसकी वजह से बहुत हाइपो अल्ब्यूमिनिया हो जाता है. हाइपोअल्ब्यूमिनिया हमने जैसे पैथोजेनेसिस में ही देखा था, हाइपोअल्ब्यूमिनिया होने की वजह से जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और जो नॉर्मल काम है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर का है वो है इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स. अब जबकि फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता वो कॉज करता है जनरलाइज एडिमा. ऑल्सो हाइपोअल्ब्यूमिनिया होने की वजह से जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से हमने पैथोजेनेसिस में देखा था सोडियम और वाटर रिटेंशन एंड रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. उसकी वजह से रिटेंशन होता है सोडियम और वाटर का. अब जब सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है ये सपोर्ट करता है प्रोटीन लॉस और उसके वजह से जनरलाइज एडिमा कॉज होता है. दिस वॉज रीनल एडिमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. एडिमा इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम. अभी जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है वहाँ पर ग्लोमेरुलर डिजीजेस होते हैं जैसे कि एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. वहाँ पर कॉज होता है नेफ्राइटिक एडिमा. ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव अक्यूमुलेशन होता है सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है ग्लोमेरुलर डिजीज की वजह से, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन जीन मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं और हमने जैसे पैथोजेनेसिस में ही देखा था वो एडिमा कॉज करता है. एक्यूट एडिमा इन एक्यूट ट्यूबुलर इंजुरी. ट्यूबुलर इंजुरी में क्या होता है, जो कैपेसिटी है ट्यूबुल्स की जो है रीअब्सॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो लॉस हो जाती है, जो कैपेसिटी बंद हो जाती है इसकी ट्यूब्यूल्स की. इसकी वजह से एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि एडिमा कॉज करता है. एडिमा
Cardiac edema is a generalized edema mainly seen in the right-sided and the conjunctive heart failure. अब जब pathogenesis कुछ mechanism से explain किया जाता है, first is the reduced cardiac output. जब cardiac output कम हो जाता है तो hypovolemia होता है, मतलब वहाँ पर blood supply proper, blood supply बहुत कम है, blood बहुत कम है. इसके वजह से intrinsic renal mechanism जैसे renin angiotensinogen aldosterone mechanism activate होते हैं, जो कि cause करते हैं sodium और water retention और जो ultimately edema cause करता है. Second one is the heart failure. Due to heart failure, the central venous pressure is elevated, which causes the increase in the capillary hydrostatic pressure. और हमने देखा था जब कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज होगा, जो कि फ्लूइड का बाहर जाना इंक्रीज करेगा और जो अल्टीमेटली कॉज करेगा एडिमा. थर्ड वन इज द क्रोनिक इंजरी. क्रोनिक इंजरी की इंजरी होने की वजह से कैपिलरी के एंडोथेलियल को इंजरी होती है. हमने पैथोजेनेसिस में देखा था जब कैपिलरी एंडोथेलियल को इंजरी हो जाती है तो यहाँ पर कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर चले जाता है और मतलब कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और वहाँ पर एडिमा कॉज होता है. यहाँ पर फॉरवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस देखते हैं हम. और जो है कार्डियक एडिमा है वो ग्रेविटी से बहुत इन्फ्लुएंस होता है. इन एम्बुलेटरी पेशेंट्स, मतलब जो चलते फिरते हैं वो पेशेंट्स में ये मेनली एक्सट्रीमिटीज में दिखने को मिलता है. और जो कि बेड रिडन पेशेंट है वो उनके सैक्रल रीजन में ये कार्डियक एडिमा हम देख सकते हैं. ये जो हमने तीन मैकेनिज्म्स देखे ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर में है होते हैं, पर जब हमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तब वीनस कंजेशन ऑफ लंग होता है और वहाँ पर ये पल्मोनरी एडिमा कॉज कर सकता है. सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑन विच टॉपिक शुड आई प्रिपेयर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. थैंक यू.